तो वेलकम बैक अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके व्हाट्सएप में जो भी आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हुई, आपका बॉयफ्रेंड हो, कोई भी आपको ब्लॉक कर देता है, आपका झगड़ा होता है, कुछ भी आपको ब्लॉक कर देता है, तो आप उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप 2 मिनट में उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। एक ट्रिक बताने वाला जिसके जरिए आप अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप आजकल जानते हैं कि आजकल व्हाट्सएप में बहुत नए नए फीचर्स, बहुत नए नए अपडेट हो चुके हैं। व्हाट्सएप बहुत नया अपडेट हो चुका है, तो उसमें आप कोई भी ऐप्स का यूज़ करेंगे, यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐप्स के बारे में बताते हैं, तो उसका यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से आपका व्हाट्सएप को पूरा बैन कर सकते हैं वो लोग। आपका व्हाट्सएप को बैन करेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितना भी है सब बैंड हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, तो आप उसको अनबैंड नहीं कर सकते, वो सिम आपका पूरा जाया, पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैं आपको बिना ऐप्स के एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके ज़रिए आपको जो भी ब्लॉक किया आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर। आपकी गर्लफ्रेंड हुई, आपका बॉयफ्रेंड हुआ, कोई भी अगर आपको ब्लॉक करते हैं, फैमिली का कोई भी मेंबर हुआ और आप चाहते हैं उसको अनब्लॉक करना, तो मैं ये ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जाना है अपने व्हाट्सएप में, तो मैं व्हाट्सएप में लेके चलता हूँ आपको, व्हाट्सएप में मैं लेके चलता हूँ आपको। तो देख सकते हैं ये मुझे ब्लॉक कर चुकी है, आप देख सकते हैं ये मुझे ब्लॉक कर चुकी है, और मैं अनब्लॉक इसे कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले, ये यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। व्हाट्सअप बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है, तो आप सोच समझ के कीजिएगा जो भी कीजिएगा, लेकिन ये वाला ट्रिक बताने वाला, ये तरीका बताने वाला, उससे आप 2 मिनट में अनब्लॉक कर सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे टैप करना है आपको। यहाँ पे टैप करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, या अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे टैप कर देना आपको, यहाँ टैप कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे टैप करना है तो आप देख सकते हैं चेंज नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो आप फिक्र मत कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपका जितना रिकवरी, जितना मैसेज सब रिकवर रहेगा, आपका मैसेज कोई डिलीट नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आपका मैसेज डिलीट हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ इसका, कि आपका कोई नंबर चेंज नहीं होगा, आपका ये सॉरी मैं बोल सकता हूँ कि आपका ये चेंज नहीं होगा, मतलब आपका कोई भी मैसेज डिलीट नहीं होगा, इसका मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, पूरा रिकवर, जितना मैसेज सब रिकवर हो जाएगा, जितना मैसेज सब रहेगा आपका डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे मारना है आपको, तो यहाँ पे मारना है, तो यहाँ पे आपको जो पुराना फ़ोन नंबर है वो वाला मारना है, यहाँ जो पुराना फ़ोन नंबर जिससे आप ब्लॉक है, तो मैं मार के दिखाता हूँ, ये वाला फ़ोन नंबर मारना है आपको अपना, जो पुराना फ़ोन नंबर जिससे आप व्हाट्सअप चला रहे हो वो वाला मारने के बाद यहाँ पे नया फ़ोन नंबर, इसके लिए आपको एक सिम का ज़रूरत पड़े, एक नया सिम आपको लेना होगा। एक नया सिम लेने के बाद आपको यहाँ पे नया फ़ोन नंबर, जो आपका सिम है वो वाला नया फ़ोन नंबर मारना है, यानी नया फ़ोन नंबर मारने के बाद नेक्स्ट मारना है, नेक्स्ट मारने के बाद एक ओ टी पी आएगा, उसको फिल कर देना है, उसको फिल करने के बाद आपका जितना नंबर चेंज हो जाएगा व्हाट्सअप का, लेकिन आपका जितना चैट है सब वापस रहेगा, जो पुराना फ़ोन नंबर का चैट है सब रहेगा, और वो जो आपको ब्लॉक किया वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि आप अगर व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल करते हैं, आप व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल करेंगे तो आपका बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, जितना चैट है, जितना रिकवर है सब डिलीट हो सकता है। तो इसीलिए ये वाला नया फ़ोन नंबर मारने के बाद आपका पूरा चैट वैसे ही रहेगा, और जो आपको ब्लॉक किया वो अनब्लॉक हो जाएगा। ये था दोस्तों ट्रिक, ये था नया ट्रिक कि आप उसको कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, आप उसको चैटिंग, आप उसको मैसेज कर सकते हैं। तो ये नया ट्रिक था, तो कैसा लगा दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगर आपका काम हो चुका है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।